भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी उनको ऐड जरूर करना चाहिए। हालांकि अभी उनकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, ऐप में अभी ये फीचर ऐड नहीं किया गया है, अभी आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है आपका वो पुअर रहेगा। सो गाइस, आज के वीडियो में हमें पता चलेगा कि नाम बड़ा होता है या काम बड़ा होता है। कहने का मतलब है ग्रो की मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है तो ग्रो का नाम खूब बड़ा है, लेकिन ज़ीरोधा की वहां दूसरी तरफ कोई भी मार्केटिंग नहीं होती, कहीं भी कोई भी ऐड नहीं आता है, तो ज़ीरोधा का काम है जिसको हम यहां पर ग्रो के नाम के साथ कंपेयर करने वाले हैं, और हम इनका 8 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कंपैरिजन करेंगे, स्कोर देंगे दोनों ही ब्रोकर्स को, जो भी उस कैटेगरी में उस फीचर में सुपीरियर होगा उसे एक पॉइंट मिल जाएगा, और फाइनली उस पॉइंट के स्कोर के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि कौन इनमें से ज्यादा बेहतर डीमैट अकाउंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइस सबसे पहले हम यहां पर चार्जेस की बात करते हैं, तो यहां पर ब्रोकरेज चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस की बात करेंगे। तो गाइस अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में सबसे पहले बताऊं, ज़ीरोधा आपसे ₹200 अकाउंट ओपनिंग फीस लेता है अगर आप करेंसी और इक्विटी का अकाउंट ओपन करते हैं। अगर आप कमोडिटी का भी अकाउंट ओपन करेंगे साथ साथ, तो ₹300 अकाउंट ओपनिंग आपको देना पड़ता है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो गाइस ₹75 प्लस GST का क्वार्टरली डिडक्शन रहता है, यानी कि ₹300 प्लस GST का सालाना AMC ज़ीरोधा आपसे चार्ज करता है। वहीं बात करें ब्रोकरेज चार्जेस की, तो इक्विटी डिलीवरी आपको फ्री मिलती है, बाकी के जो भी ब्रोकरेज चार्जेस हैं गाइस वो ₹20 या 0.03% रहते हैं, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में ₹20 फ्लैट के ब्रोकरेज चार्जेस आपके ऊपर लगते हैं। वहीं बात करें दूसरी साइड ग्रो की, तो ग्रो में गाइस आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री मिलती है, अकाउंट मेंटेनेंस आपको फ्री मिलता है, डिलीवरी आपको यहां पर फ्री नहीं मिलती है। इक्विटी डिलीवरी जो है वो ग्रो आपको फ्री नहीं देता है, आपको यहां पर ₹20 या 0.05% का चार्ज लगता है डिलीवरी और इंट्राडे में। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के केस में यहाँ पर ₹20 फ्लैट का ब्रोकरेज लगता है, करेंसी कमोडिटी आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर दूसरे हमारे सेगमेंट की, तो उससे पहले यहाँ पर स्कोर देना हम भूल गए, तो स्कोर गाइज यहाँ पर क्योंकि अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस के आपको कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं ग्रो में, तो ये स्कोर जो है वो ग्रो को चला जाएगा। तो ग्रो का स्कोर हो गया है 1 पर, ज़ीरोधा है अभी 0 पर। और अब हम बढ़ते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ, सेकंड पैरामीटर की तरफ, जो कि है यहाँ पर सर्विसेज का। सर्विसेज में हम बात करते हैं IPO, म्यूचुअल फंड, करेंसी, कमोडिटी, SGB और भी जो दूसरे आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में गाइस आपको ज़ीरोधा जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, यहां पर ग्रो में आपको करेंसी कमोडिटी नहीं मिलती है, इसलिए अब यहां पर जो स्कोर है वो चला जाएगा ज़ीरोधा को। तो स्कोर बराबर हो गया गाइस। अब हमारा तीसरा यहां पर पैरामीटर जो है वो आ जाता है एडवांस ऑर्डर टाइप्स का। तो एडवांस ऑर्डर टाइप्स में गाइस आपको ग्रो में कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर नहीं मिलते हैं, जबकि ज़ीरोधा आपको कई सारे डाइवर्सिफाई फीचर प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स आपको ज़ीरोधा के अंदर ही मिलते हैं। तो यहां पर ज़ीरोधा बाजी मार जाता है इस पैरामीटर के अंदर, तो ज़ीरोधा 2 स्कोर पे चला गया है, 2 पॉइंट हो गए ज़ीरोधा के, लेकिन ग्रो का भी 1 ही पॉइंट हुआ है। बढ़ते हैं गाइस चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो यहां पर कस्टमर केयर का पॉइंट है। तो चैट सपोर्ट तो आपको दोनों ही वेबसाइट पर नहीं मिलता है, लेकिन कॉल करके मैंने यहां पर देखा था, अकाउंट ओपनिंग से पहले की कॉलिंग के बारे में हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अकाउंट ओपनिंग से पहले जब आप कॉल करते हैं तो ज़ीरोधा में करीब करीब 1 मिनट 5 सेकंड का वेटिंग मुझे आया था, और ग्रो में कॉल का वेटिंग जो था वो करीब करीब 5 मिनट का आया था। तो इस हिसाब से यहां पर ज़ीरोधा में क्योंकि कम टाइम लग रहा है, इसलिए ज़ीरोधा को यहां पर 1 पॉइंट चला जाता है। तो अगेन ज़ीरोधा और आगे निकल गया है, ज़ीरोधा 3 पर पहुंच गया है, ग्रो अभी भी 1 ही पॉइंट के साथ पीछे पिछड़ा हुआ है। अब बात करते हैं गाइस कुछ दूसरे पैरामीटर्स की, दूसरे फीचर्स की, जैसे कि US स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो ज़ीरोधा आपको US स्टॉक इन्वेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं दे रहा है, लेकिन ग्रो ने ये फीचर लॉन्च कर दिया है। हालांकि अभी उनकी वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, ऐप में अभी ये फीचर ऐड नहीं किया गया है, तो फिर भी यहां पर जो पॉइंट है वो हमें ग्रो को देना है, क्योंकि ज़ीरोधा आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। तो ग्रो का भी स्कोर हो गया गाइस 2 पर, और ज़ीरोधा 3 स्कोर के साथ अभी बना हुआ है। गाइस हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्टॉक SIP का। तो गाइस स्टॉक्स में SIP करने का फीचर आपको यहां पर ज़ीरोधा में मिल जाता है, ग्रो में ये फीचर नहीं मिलता है। मैं ग्रो की टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये भी उनको ऐड जरूर करना चाहिए। तो यहां पर जो स्कोर है गाइस वो फिर से ज़ीरोधा को चला जाता है, ज़ीरोधा हो गया 4 पॉइंट के साथ में, ज़ीरोधा को 4 पॉइंट मिल चुके हैं, ग्रो अभी 2 पॉइंट के साथ काफी पिछड़ा हुआ है इस रेस के अंदर। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी गाइस हमारे पास 2 और लास्ट पैरामीटर्स बचे हुए हैं, तो ये जो लास्ट पैरामीटर्स हैं ये यहां पर है मार्जिन का। तो गाइस मार्जिन में मैं आपको बताऊं, ज़ीरोधा आपको, ज़ीरोधा और ग्रो यहां पर दोनों ही एक्चुअली बिल्कुल सेम है। ज़ीरोधा भी आपको 5x का मार्जिन प्रोवाइड करता है इंट्राडे में, ग्रो भी आपको 5x का मार्जिन इंट्राडे में देता है, डिलीवरी में दोनों ही आपको मार्जिन नहीं देते हैं। ज़ीरोधा भी आपको कोई मार्जिन नहीं देता है, ग्रो भी आपको कोई मार्जिन नहीं देता है। तो अब चाहे तो हम यहां पर पॉइंट दे सकते हैं, और चाहे तो पॉइंट ना भी दें, क्योंकि दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। तो हम यहां पर पॉइंट इस फीचर के लिए कोई पॉइंट नहीं दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट फीचर की तरफ, जो
चुके हैं मोबाइल ऐप का फीचर। तो गाइज मोबाइल ऐप दोनों के ही बहुत बढ़िया मोबाइल ऐप है, ग्रो का भी बहुत सिंपल इंटरफेस है, ज़ीरोधा का भी बहुत सिंपल इंटरफेस है, लेकिन अब यहाँ क्योंकि इन्वेस्टिंग स्टॉक इन्वेस्टिंग ही हमारा मेन पर्पज है, तो स्टॉक इन्वेस्टिंग में गाइज ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ट्रेडिंग आपको ज़ीरोधा के जो काइट प्लेटफॉर्म है वहाँ पर ज़्यादा अच्छी मिलती है, वहाँ पर ज़्यादा स्मूथ मिलती है, जबकि ग्रो में अभी कुछ ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर भी आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है आपका वो थोड़ा सा वहाँ पर कंपैरिजन टू ज़ीरोधा थोड़ा सा पुअर रहेगा। इसलिए ऐप की रेटिंग के मामले में हम यहाँ पर ज़ीरोधा को एक और पॉइंट हमें देना होगा। ज़ीरोधा का स्कोर हो गया है 5 पर, ग्रो यहाँ पर 2 पॉइंट के साथ पीछे पिछड़ चुका है रेस में। तो गाइस स्कोर आपके सामने है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रो एक बेकार डीमैट अकाउंट है, ग्रो हालांकि ट्रेडिंग के लिए मैं उतना आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इनिशियल जो बिगिनर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रो भी उनके लिए ठीक रहेगा। दोनों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे कुछ दूसरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जाकर के आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। गाइस इसी तरीके की वीडियोस डीमैट अकाउंट्स रिलेटेड कंपैरिजन और इनके रिव्यूज वगैरह हम इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। बुधवार से लेकर के रविवार शाम 4:30 बजे हमारा डेली वीडियो आता है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो ग्रो और ज़ीरोधा के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। हमने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है 57 गेम्स के नाम से, जहां पर हम गेम खेल करके पैसे कमाने के दूसरे कई तरीके आपको बता रहे हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन मिलेगा, प्लीज जाकर के वहां चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।